गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, और जब उनका जन्म हुआ तो एक ऋषि ने बोल दिया था, घोषणा कर दी थी उन्होंने पहले ही कि ये जो बच्ची है ये इतिहास के पन्नों में अमर रहेगी, यानी इसका जन्म इतिहास बनाने के लिए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सीन पढ़ते हैं। नरेटर, कहानीकार, एज अ यंग गर्ल मनु हैज अ फ्रेंड एंड कंपेनियन नाना द सन ऑफ बाजीराव। एक किशोर युवती के रूप में मनु का एक दोस्त और सखा था, साथी था, जिसका नाम था नाना, जो बाजीराव के बेटे थे। ठीक है, जिनके दरबार में मोरोपंत दरबारी थे, उस राजा के बेटे थे, शासक के बेटे थे नाना। अ यंग गर्ल एंड अ बॉय ऑफ द सेम एज ड्रेस्ड इन राइडिंग गियर एंटर। एक युवती और एक युवक, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, जो आपके राइडिंग वाले गियर, राइडिंग गियर का मतलब होता है बेटा घुड़सवारी के कपड़ों में, अंदर आते हैं। द बॉयज आउट ऑफ ब्रीथ, जो लड़का था वो हाफ रहा था। मनु लाफिंग, नाना यू आर ऑलरेडी ब्रीथलेस, आई वॉन्ट यू नॉट टू चैलेंज मी बट यू डिड, नाउ यू नो हु राइड फास्ट। तो मनु यानी रानी लक्ष्मीबाई, जो उनका बचपन का नाम था, वो कहती हैं मनु, ठीक है, हंसते हुए कहती हैं, नाना तुम अभी तक हाफ रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था, बताया था कि मुझे चैलेंज चुनौती मत दो, मुझे चैलेंज मत करो, लेकिन तुमने किया। ठीक है, अब तुम्हें पता चला कौन तेज़ दौड़ाता है, कौन तेज़ घुड़सवारी करता है। नाना, आई नो व्हाट अ फूल आई वॉज एडमायरिंग यू। तो नाना भी खुशी से कहते हैं कि हाँ, यस, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की। मनु यू आर रियली ब्रेव, मनु तुम वाकई में बहादुर हो। The way you lifted me on to your horse when I fell and the way you rode were remarkable। जिस तरीके से तुमने मुझे उठाया जब मैं गिर गया था, तुमने मुझे उठा के अपने घोड़े पर बिठाया, और जिस तरीके से तुमने घुड़सवारी की वो अद्भुत है। I couldn't have done that, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है। मनु, all this is due to my father, ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। मनु कहती है, ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। नाना, आफ्टर माई मदर डाइड, नाना जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई, ही टुक मी टू बिठूर वेयर आई टुक लेसन इन हॉर्स राइडिंग एंड वॉरफेयर। तो कहते हैं, मनु कहती है कि जब मेरी माता की मृत्यु हो गई थी तो मेरे पिताजी मुझे बिठूर ले गए थे, और वहीं पर उन्होंने मुझे घुड़सवारी और वॉरफेयर यानी युद्ध की शिक्षा दी। Someday I shall become a soldier, और एक दिन मैं ज़रूर सिपाही बनूंगी, सैनिक बनूंगी। नाना, and I shall ride by your side, तो नाना कहते हैं कि ऐसा जब होगा तो मैं तुम्हारी ही पक्ष में रहूँगा, तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। Remember, मनु, if you ever need me, all you have to do is call। तो वो कहते हैं कि मनु, एक बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, मुझे आवाज़ लगानी है, बुलाना है। मनु, आई विल रिमेम्बर नाना, तो वो कहती है कि हाँ, मुझे ये याद रहेगा, मैं याद रखूँगी। नरेटर, कहानीकार, द टू पार्ट वेज टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव होम। तो दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं अपने घर पर। टाइम फ्लाइज, वक्त उड़ जाता है, यानी समय है वो चलता समाप्त, समय जो है वो उड़ता है अपनी गति से, बहुत दिन बीत जाते हैं। मोरोपंत तांबे रिसीव अ मैसेज, रिसीव अ मैसेंजर हु हैज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर मनु। ठीक है, समय बीत जाता है, बहुत साल बीत जाते हैं, उसके बाद मोरोपंत तांबे है, उनको एक दूत का मैसेज मिलता है, एक सूचना मिलती है उनको एक, कि जो मनु है उसके लिए मैरिज प्रपोजल यानी विवाह का प्रस्ताव आया है। ठीक है, एक दूत आते हैं और मोरोपंत को मनु के लिए एक प्रस्ताव देते हैं उनके विवाह के लिए। द प्रपोजल इज़ फ्रॉम गंगाधर राव ऑफ झांसी। ये जो प्रपोजल था यानी ये जो प्रस्ताव था वो गंगाधर राव के द्वारा भेजा गया था, जो झांसी के राजा थे। मनुज फादर एग्रीज टू द मैरिज प्रपोजल एंड इज़ हैप्पी। तो मनु के जो फादर थे उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, ठीक है, और वो खुश थे। ही शुड बी, फॉर गंगाधर राव इज़ अ गुड मैन, और उन्हें होना भी चाहिए था क्योंकि गंगाधर राव एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, तो पहले सीन में हमने पढ़ा था उनके जन्म के बारे में, ये उनकी किशोरावस्था के बारे में था। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना बेटा।